तो क्या आर्थिक आधार पे अब आरक्षण देने की बात? और उन लोगों को आरक्षण देने की मांग हो रही है, मैंने मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। और मराठा समाज के साथ साथ जाट है, राजपूत है, ठाकुर है, रेड्डी है, ऐसा जो क्षत्रिय समाज है, समाज को बांटने से देश मजबूत होगा नहीं। देश को मजबूत करने के लिए एकता की आवश्यकता है और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सभी समाज की एकजुट होनी चाहिए, जातिवाद को खत्म करना चाहिए और देश में समानता आनी चाहिए, ये बात बताई है। आज हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी हैं, जो अपनी बेबाक बातों के लिए जाना जाते हैं, खुल के हर मुद्दे पर बात करते हैं। द पब्लिश 24 आज मराठा आरक्षण या आरक्षण के ऊपर जो देश में जो एक विचार विमर्श चल रहा है, कहीं आंदोलन हो रही है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। आपसे एक सवाल है कि ये जो आरक्षण का जो चल रहा है, और पूरे देश में चल रही है, अभी यहाँ पर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण चल रहा है, तो क्या आर्थिक आधार पे अब आरक्षण देने की बात, क्या अब इसके ऊपर भी कोई इनिशिएटिव लेंगे या फिर कोई इसके ऊपर भी विचार विमर्श स्टार्ट होगा? आप नहीं, ऐसा है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, जो समाज इकोनॉमिकली सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड था, उस समाज को आरक्षण देने का निर्णय तब हुआ था, संविधान में वो लागू हुआ था। 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लिए था और 7.5% आरक्षण शेड्यूल ट्राइब के लिए था। तो ये जो आरक्षण है, आरक्षण जाति के आधार पर दिया गया है, क्योंकि ये लोग गांव के बाहर रहते थे और इनके ऊपर हमेशा अन्याय होता रहता था, इसीलिए इनको अगर न्याय देना है तो इनको स्वतंत्र आरक्षण मिलना चाहिए, इसीलिए शिक्षा में और नौकरियों में आरक्षण देने का निर्णय हुआ था। बाकी जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिला, ये इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस पर ही मिला है, जाति के आधार पर मिला है मंडल कमीशन के माध्यम से, लेकिन जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है ईयरली, उस फैमिली के बच्चों को ही शिक्षा में और नौकरियों में आरक्षण मिलता है। उसी तरह अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया 3 साल पहले, जो इकोनॉमिकली बिकर सेक्शन है, जो SC ST OBC में जो कास्ट आती नहीं है, तो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, या कोई भी जाति धर्म का आदमी हो जो SC ST OBC में आता नहीं है, उनको भी 10% आरक्षण देने का निर्णय हो चुका है इकोनॉमिक विकर सेक्शन के लिए। और ये मेरे मंत्रालय ने ये निर्णय ले लिया है। बाकी आपका जो सवाल है कि जिस तरह मराठा समाज को आरक्षण की मांग हो रही है, और ये मांग जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के मराठा फैमिली के जो लोग हैं, उनको आरक्षण देने की मांग हो रही है, ये बात सही है कि मराठा समाज में अमीर लोगों की संख्या भी बड़ी है, लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की संख्या भी बहुत बड़ी है, और उन लोगों को आरक्षण देने की मांग हो रही है। लेकिन कोर्ट को लगा कि भाई मराठा समाज के मुख्यमंत्री रहे हैं, मराठा समाज के MP बहुत ज़्यादा होते, MLA ज़्यादा होते हैं, उद्योगपति ज़्यादा होते, जमींदार ज़्यादा होते हैं, ये बात सही है, लेकिन जो फैमिली जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, ऐसे फैमिली को आरक्षण देने की मांग है, तो मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये मेरी पार्टी की हमेशा भूमिका रही है। और मैंने सबसे पहले ये मांग किया था कि भाई दलिता और सवर्णों में विवाद का कारण आरक्षण है, दलितों को आरक्षण मिलता है, लेकिन हमारे समाज में जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लोग है, उनको नहीं मिलता है, इसीलिए उनके दिल में दलितों के बारे में गुस्सा होता है। तो सामाजिक समानता प्रस्थापित करने के लिए, सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए, उन समाज को भी अगर आरक्षण मिलेगा तो उनको भी अच्छा लगेगा, और दलित और सवर्णों में बहुत ही अच्छी एकजुट पैदा हो जाएगी, तो इसीलिए हमारी मांग हमेशा रही है। तो जो आपका सवाल है कि भाई सभी आरक्षण इकोनॉमिकली बेस पर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जाति व्यवस्था जब तक है तब तक दलितों को जाति के आधार पर आरक्षण मिलना ही चाहिए, और सभी आरक्षण जाति इकोनॉमिकली बेस पर नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री जी के पास जो 24 तारीख को मीटिंग हुई थी हमारी मिनिस्टर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की, उसमें मैंने मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, और मराठा समाज के साथ साथ जाट है, राजपूत है, ठाकुर है,
रेड्डी है, ऐसा जो क्षत्रिय समाज है, ऐसे क्षत्रिय समाज को 10-12% आरक्षण मिलना चाहिए और उसके लिए भारत सरकार ने कानून पास करना चाहिए, ये प्रस्ताव मैंने प्रधानमंत्री के सामने रखा है। तो इसीलिए मराठा समाज को आरक्षण देने का जो अधिकार है राज्य का, वो राज्य को अधिकार है, कोर्ट ने तो मतलब उसको रोक दिया है, लेकिन पार्लियामेंट में संशोधन करने की आवश्यकता है, संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए हमारी कोशिश जारी है कि मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए भारत सरकार क्या मदद कर सकती है, इसके लिए जरूर हमारा मंत्रालय विचार करेगा और उसके संबंध में निर्णय लेगा। अच्छा, एक मैं अध्यक्ष साहब, आपको लगता नहीं कि ये आरक्षण की वजह से जो पूरा समाज एक बट गया है और जो युवा वर्ग है और युवा वर्ग के बीच में आता है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं और हमें भी हमारे भी माँ बाप जो हैं वो रिक्शा चलाते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्वर्ण से आते हैं लेकिन हमको आरक्षण नहीं मिलता है, तो इस ये पूरे जातिवाद को ख़त्म करने के लिए आपके मन में कौन सा है कि जातिवाद ही ख़त्म हो जाए? हाँ, तो जातिवाद अगर ख़त्म होता है तो मैंने एक बार मांग किया था कि जिस तरह दलितों को आरक्षण मिलता है, आदिवासियों को आरक्षण मिलता है, ये परसेंटेज के मुताबिक मिलता है। जिस तरह दलित का परसेंटेज 15% था, ट्राइबल का परसेंटेज 7.5% था, तो उनको परसेंटेज के मुताबिक आरक्षण मिलता है। तो हम भी जातिवाद ख़त्म करो, हम अगर सरकार ऐसा निर्णय लेती है कि भाई हर जाति को उनके परसेंटेज के मुताबिक आरक्षण दिया जाए तो भी हमारा उसको विरोध नहीं होगा। हमको दे दो, तुम्हारा तो तुम ले लो, तो दूसरों को मिलने के लिए हमारा विरोध नहीं है। ये बात सही है कि सवर्ण समाज में भी ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, गरीब लोगों की भी संख्या उस समाज में है, तो उनको भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए और हमारे आरक्षण को धक्का ना लगा कर उनको भी दे दो, ये हमारी मांग है। और ये मांग से मतलब मुझे लगता है कि ऐसा उसका फ़ायदा हो सकता है समाज को बांटने का, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे? उनके लिए मैं ये बोलेगी कि समाज को बांटने से देश मजबूत होगा नहीं, देश को मजबूत करने के लिए एकता की आवश्यकता है और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सभी समाज की एकजुट होनी चाहिए, जातिवाद को खत्म करना चाहिए और देश में समानता आनी चाहिए, ये बात बताई है। उसी मुताबिक मेरा आह्वान है कि भाई समाज में फूट डालने की कोशिश मत करो, हम सब लोग एक साथ आकर लड़ेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे, चाइना के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन अपनी जो इंटरनल समस्या है उसको हल करने के लिए हम सब लोग मिलकर मतलब सरकार को साथ देंगे, सरकार से अपेक्षा करके उनसे निर्णय लेने का काम करेगा, ऐसा मुझे लगता है। सर धन्यवाद। तो ये थे रामदास अठावले जी और हम अलग अलग मुद्दे पे जो और भी नेता हैं उनसे बात करेंगे। द पब्लिक न्यूज़ 24/7 बने रहिए।